फरीद को अंदर भेजें। आओ बेटा बैठो। जी तुम्हें कुछ जरूरी बात बताने के लिए यहां बुलाया है। जी जाजू हुक्म करें। बेटा फैक्ट्री के जो हालात हैं पहले जैसे नहीं रहे, इसकी वजह इंटरनेशनल ऑर्डर्स का कैंसिल होना, कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब सूरत हाल यहां तक पहुंच गई है कि एम्प्लॉयज की सैलरीज निकालना मुश्किल हो गया। तो ये आपने मुझे पहले तो नहीं बताया था। हाँ अब चूंकि तुम इस कंपनी का हिस्सा हो तो इसलिए तुम्हें ये सब बता रहा हूं। तो इसका कोई हल सोचा है आपने? फिलहाल कंपनी के अखराजात को कंट्रोल करने के लिए डाउनसाइजिंग करनी पड़ेगी। डाउनसाइजिंग का मतलब तो समझते हो ना, कुछ एम्प्लॉयज को निकालना पड़ेगा हमें। जी समझ रहा हूं। बेटा बदकिस्मती से उस लिस्ट में तुम्हारा नाम भी। अरे नहीं बेटा मुझे गलत मत समझना, तुम्हें निकालने का मकसद महज सिर्फ इतना है कि कंपनी के बाकी मुलाजमीन ये ना समझे कि तुम अपने थे और तुम्हें रख लिया और उन्हें गैर होने की वजह से निकाल दिया। लेकिन तुम्हारी सैलरी चलती रहेगी, ये इस महीने की सैलरी। रात नहीं चाहिए जा छू। मेहनत करके अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता था। मैं आपसे वैसे कुछ मांगता हूं, मुझे पता था आप मुझे इनकार कभी ना करते। आप मुझे यहां नहीं रखना चाहते, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। इतना अरसा आपने मुझे रखा उसके लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।